सामने है। शर्मा की चाय बड़ी अंडररेटेड होती है, लोग बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे वाहियात लगती है। ओवररेटेड? अच्छा, ओवररेटेड है, अंडर भी नहीं है। वाहियात चाय है, लेकिन फिलहाल यही एक सहारा है, मजबूरी का नाम। वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। हमारे साथ हैं सूरज और हम लोग आ गए हैं, मीडिया की एक मीटिंग है, मीटिंग क्या है, बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की ब्रीफिंग है, और हम लोग उसमें आए हैं। और बाहर झमाझम बारिश हो रही है। अब बारिश से दो चीज़ें होंगी, या तो लोग आएंगे या लोग नहीं आएंगे। लोग नहीं आएंगे तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो कोशिश ये है कि ऊबर वाले से दुआ कर रहे हैं टाइमली बारिश रुक जाए, उसके बाद लोग आ जाए, फिर बारिश हो। क्यों सूरज, ठीक है ना? सूरज बेचारा कैमरा कॉन्शियस हो गया, सोच रहा है कहाँ यार हमें कैमरे में ले आए। यार ऐसे भी लोग होते हैं, ध्यान रखिए। सूरज एलयू में पढ़ते हैं, MSW के छात्र हैं, और कुल मिला के बहुत जाबाज आदमी है। देखिए मुस्कुराहट में दांत भी निकल आए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अरे सर ऐसा नहीं। काबिल काबिल लोग हैं। वैसे ही हमारी अंजलि, अंजलि क्या तुम बता रही हो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। उसमें क्या लिखा? ओ प्लस। वतन की मिट्टी तुम्हें सलाम करती है। बहुत ही अकलमंद लोग हैं इस देश में, हमारे आसपास। सम्मानित तुम्हें करवाऊंगा मैं, प्रधानमंत्री से कह के सम्मानित करवाता हूँ। झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम बारिश के बीच हमारे भाई पहुँचे हैं, काजी भाई। कार्यक्रम में तो नहीं आए थे हमारे, लेकिन ये है कि अटेंडेंस जरूर लगाते हैं भाई हमारे। नहीं, मैं आगे थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं बस मीटिंग की वजह से, कोई बात नहीं। लेकिन बारिश चल रही है अभी, बारिश में हम लोग शर्मा चाय है गोमती नगर में, उसके सामने है। शर्मा की चाय बड़ी अंडररेटेड होती है, लोग बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे वाहियात लगती है। ओवररेटेड? अच्छा, ओवररेटेड है, अंडर भी नहीं है। वाहियात चाय है, लेकिन फिलहाल यही एक सहारा है, मजबूरी का नाम चाय। हिंदुस्तान में ऐसे स्विमिंग पूल होना बहुत जरूरी है, आपको नाव चलाने से लेकर के नहाने तक। गोमती नगर की सड़कों में आपका स्वागत है। वाकई सही कहा आपने। आज का दिन बहुत बेहतरीन रहा, और चूंकि मीडिया के साथ ही हैं जावेद भाई वगैरह हैं, वो करीब 1.5 महीने से उनसे हम गोला दे रहे थे कि भाई आज मिलेंगे कल मिलेंगे, लेकिन फाइनली आज हम लोग मिले। और मुझे लगता है कि हमारे जो व्लॉगिंग है उसको देखकर ये बहुत सारे मीडिया के साथियों को व्लॉगिंग का कीड़ा लग गया है, तो अच्छा है, सीख लें और करें। अगर अपनी ऑडियंस बिल्डअप आप कर लेते हैं, लोग देखते हैं, कभी भी व्यूज़ बहुत ख़राब आते हैं, बुरा भी लगता है, लगता है कि जितनी मेहनत करी, एडिटिंग में जितना टाइम लगाया नहीं मिला, बट कोई नहीं, सो फार सो गुड। इसके अलावा ये भी है ना कि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो व्लॉगिंग में आपको अपना नीच पता होना चाहिए। जैसे मुझे फौज, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, ट्रैवल है, ये सब मैं नीच लेके चल रहा हूँ, और भी मैं कॉमनली हर तरह की वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो होपफुली अगर एक तरह की वीडियो बनाऊँगा तो आई नो कि ट्रैफिक आएगा, लोग आएंगे, और इंशाल्लाह ग्रो करेगा चैनल। हालांकि जो मेरे प्लान्स हैं वो ये हैं कि साल डेढ़ साल एटलीस्ट इसको लेके चलेंगे, और साल डेढ़ साल बाद उम्मीद है कि कुछ बेहतर दिशा में हम लोग काम करने लगेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मस्त रहें, खुश रहें, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उल्टे सीधे जो लोग हैं समाज में उनको अपने से दूर रखिए, वो आपकी ग्रोथ का हैम्पर करते हैं, आपके मेंटल हेल्थ को हैम्पर करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। कल नए ब्लॉग में मिलते हैं, सैटरडे संडे है, तो उम्मीद है कुछ अच्छा कर पाएंगे इंशाल्लाह।